आज फिर रोवते गाड़ा मैं एक बोटा कित नार का मिल जा फिर टोवते गाड़ा मैं एक बोटा कित नार का मिल जा फिर टोवते छड़ा जा रहा था भूखे की निकिया सुकड़नी उनका भी ना खा रहा था भूखे की वकिया सुकड़नी उनका भी ना खा रहा था ओ हाथ आगे कऊ चले थी पाछे बछड़ा जा रहा था भूखे की वकिया सुकड़नी उनका भी ना खा रहा था भूखे की वकिया उनका भी ना खा रहा था ओ हिम्मत करके घेर में बढ़ गया ना नजर जित आ रहा था उसने देख के घेर कमाल हाथ पावड़ा था रहा था उसने देख के घेर कमाल हाथ पावड़ा लपोते गाड़ा में एक मोटा कितना रकम ले जा फिर तो होते गाड़ा में एक मोटा कितना रकम ले जा फिर तो होते गाड़ा में जब बछड़े को मार करके उस जमींदार किसान ने अपने घर से बाहर कर दिया तो जाकर के अपनी मां के पास जाता है और साथियों किस प्रकार से गौ माता अपने बछड़े के हालात को देखती हुई आंखों में आंसू भर लाती है और क्या बताने लगी छाती पाते थी आख्या के मैं पानी भर अपने बछड़े में चाहते थी आख्या के मैं पानी भर अपने बछड़े में चाहते थी ओ इंसानों ने जख्म दिए इंसानों ने जख्म दिए वाह पशु दर्द में बाटे थी प्यार का मरम जाके घा पे उसके दुख ने बाटे थी प्यार का मरम जाके घा पे उसके दुख ने बाटे थी ओ के जू ही भेजे धरती पे के जू ही भेजे धरती फिर जान लपोते गाड़ा में एक मोटा कितना रकम ले जा फिर तो होते बोटा कितना रकम ले फिर तो होते गाड़ा में
कहने लगी हो गौ माता कि तू जानता है वो बहुत दार है, आज जिन्होंने हमें माँ का दर्जा दिया वो अपना फर्ज भूल गए, क्योंकि इस जीवन में जिस इंसान की माँ दुखी होती है उसका कोई जीवन नहीं होता। माँ का दर्जा दे करके आज वो सर्व हिंदू जाति हमारा सम्मान और हमारी रक्षा करने का जो एक माँ का जो पुत्र का अधिकार होता है वो सब कुछ भूल गए। आइए तीसरी बात के माध्यम से कवि ने क्या लिया क्या बताया। ओ परिखोर में झूठ दिखेगी, परिखोर में झूठ दिखेगी, खुला पा गया गेट मने रूका सूखा खा के ने माँ भरना चाहया पेट मने, रूका सूखा खा के ने माँ भरना चाहया पेट मने। ओ भगदार के जान बचली न ते पल में देता मेट मने, और जगमान पंडित जी गौशाला के लिए 500 रुपए का दान देते हैं, 100 रुपए हमारी पार्टी को देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों क्या बताया है। पल में देता पेट मने, पल तोड़ के जान बचन लते पल में देता पेट मने। ओ इसे कौन से पाप करे माँ, इसे कौन से पाप करे माँ, हंड ढोवते गाड़ा में एक बोटा कितनार कमल जा, ढोवते गाड़ा में एक बोटा कितनार कमल जा, फिरे तो होते गाड़ा में। आइए आज वो गौ माता कहती है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण हमको चराया करते थे, ऋषि मुनि योगी सन्यासी गुण मारा गया करते थे, और घरबारी बेटे से बढ़कर के बछड़े को चाया करते थे। इतनी इज्जत थी गौ माँ की कि जब इंसान को अपना विश्वास देना होता था तो गौ माता की सौ भी खाया करते थे। आइए किस प्रकार से आज वो गौ माता क्या कहने लगी, आखिरी बात में क्या बता। हरी कितने कहते थे